So, hello, dosto. Very good afternoon, everyone. Very good morning, everyone. आज का लेक्चर मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, so sorry for that inconvenience. But still, मैं पूरा आपको देने की कोशिश करूँगा जो मैं चाह रहा हूँ. So, कल के सेक्शन, लास्ट क्लास के सेक्शन से ही आगे आप आज कवर करने वाले हैं. हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे थे, राइट दोस्तो? हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? उसी से आगे बढ़ेंगे अपन. अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? उसके अंदर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है. सबसे पहले बात करें दोस्तों, आपके पास बहुत अच्छी टीम, शानदार टीम जो आपको नीट के और करीब ले जाते हुए, एवरी वन इज वेल वर्ड्स, वेल क्वालिफाइड इन हिज फील्ड, इन हर फील्ड. सो प्लीज बी इन टच. आपको कहाँ आना है? इस प्लेसिबो चैनल के ऊपर बने रहना है, राइट दोस्तों? एंड तक सेशन को देखते रहें, क्योंकि आपके लिए आज का सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज मैं कुछ न्यूमेरिकल भी कवर करूंगा इसके अंदर, तो सेशन के एंड में न्यूमेरिकल्स भी होंगे, राइट दोस्तों? तो जो मुझसे पहली बार जुड़ पा रहे हैं, जो मुझे पहली बार देख पा रहे हैं, उनको मैं बता दूं दोस्तों, माइसेल्फ जेपी चौहान, और मैंने अपना इंजीनियरिंग एनआईटी जयपुर से किया है, और मेरा रैंक जो था AIR 34 था इन AI ट्रिपल एग्जाम, और ये क्लास 12 के साथ में था. सो दोस्तों, 12 के साथ में मैं आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन दे सकता हूँ, तो आप मुझसे जुड़े रहें. आई एम द फाउंडर ऑफ एक्सपोनेंशियल लर्निंग एंड आई हैड बीन ट्रेनिंग नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, राइट दोस्तों? 15 सालों से मैं आप जैसे कई स्टूडेंट्स को गाइड करता हुआ आया हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है. आगे बात करें, अगर आपको कनेक्ट होना है मुझसे, अगर डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, जो भी मेरे नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं, मेरे अपकमिंग सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या प्लेसिबो ग्रुप के ऊपर मौजूद सभी फैकल्टीज क्या क्या सेशंस अपलोड करने वाली है प्लेसिबो के ऊपर, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए, सिंपल व्हाट्सएप जैसा, और उससे ईजियर एप्लीकेशन है. और वहां जाके आप क्या करेंगे, आपको सर्च में जाके लिखना है नीट प्लेसिबो, और आप जुड़ जाएंगे प्लेसिबो की पूरी टीम के साथ. जो भी अपकमिंग सेशंस है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी बुकलेट, जो भी पीडीएफ फाइल्स, जो भी नोट्स शेयर करने होंगे सारी फैकल्टीज को, वो इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर होंगे, राइट दोस्तों? आगे बात करें, अगर अपन अनअकैडमी का एक और प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, वेरी फ्रूटफुल, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, बट ये फ्री नहीं होगे, पेड प्लेटफॉर्म है. ताकि क्या हो, पेड प्लेटफॉर्म इसलिए भी बनाया गया है ताकि दोस्तों क्या हो, यहाँ पर अननेसेसरी जो न्यूसेंस आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल के ऊपर ड्यूरिंग लेक्चर जो क्रिएट होता है, वो यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा. तो यहाँ पर आपको क्या, एक प्रॉपर एक लाइव कोचिंग चलेगी यहाँ पर, जैसे ऑफलाइन चलता है वैसे एक लाइव कोचिंग चलेगी यहाँ पर. यू विल हैव असेसमेंट ऑल्सो अलॉन्ग विद असेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर असेसमेंट नहीं हो पाता है, है ना? चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज असेसमेंट यहाँ पर होगा, क्विजेज होंगे आपके पास, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशंस विल बी देयर, जैसा कि कहाँ होते हैं, आपको कहाँ मिलते हैं ये ऑफलाइन कोचिंग के अंदर. उसके अलावा एक इंटरेक्शन होगा, उसकी वजह से पर्सनलाइज लर्निंग कहीं ना कहीं होगी. तो आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, ये इट इज जस्ट लाइक टाटा स्काई रिचार्ज, राइट? आप मंथली सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बाई मंथली सब्सक्राइब कर सकते हैं, थ्री मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स. तो जो लोग करना चाहते हैं, बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे आके जल्दी से जल्दी जुड़े, और आने वाले प्रोग्राम्स को क्या करें आप, और भी करीब से देखें, राइट दोस्तों? यहाँ पर अनअकैडमी प्लस में और क्या फायदा है, आपके पास में ड्रॉपर्स बैच 12th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अलग अलग. सो जिस क्लास से आप बिलोंग करते हैं, उस क्लास का टेस्ट सीरीज होगा, चैप्टर वाइज, लॉन्ग लेंथ. आप मॉक टेस्ट को देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलता है, तो मॉक टेस्ट सीरीज को आप देखे जाकर, और आपको फील आ जाएगा, यू विल फील कंफर्टेबल, ओनली देन यू एनरोल, यू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस, सो दैट यू कैन गेट इन टच विद दिस टेस्ट सीरीज, राइट दोस्तों? और आगे चले अपन, इन सभी चीजों को पाना है, अगर आपको कनेक्ट होना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए क्या, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे जाके, या आपके पास एप्पल का आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाके आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को क्या करना होगा, इंस्टॉल करना चाहिए, राइट दोस्तों? आप अनअकैडमी प्लस से क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे. इससे आगे चले आप दोस्तों, और आगे बात करें, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे थ्रू, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अगर आप करते हैं, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% डिस्काउंट मिलेगा. अब मेरे थ्रू कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, यू शुड मेक यूज ऑफ जेपी लाइव कोड. आपको जेपी लाइव कोड यूज करना चाहिए, क्योंकि इस कोड को यूज करने के बाद में यू विल हैव स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% डायरेक्ट डिस्काउंट. अगर मेरे पास कोई कोर्स, अगर मेरे पास 24,000 का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं, तो डायरेक्टली इट विल बी रिड्यूस्ड टू 21,600 ओनली, राइट दोस्तों? और क्या फैसिलिटीज यहाँ पर हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं बता चुका हूँ जैसा कि मैं आपको, कि यहाँ पर क्या है, 1 मंथ से लेके 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं. तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, जैसे आप नंबर ऑफ मंथ्स बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे पर मंथ सब्सक्रिप्शन रेट जो है वो डाउन होता चला जाएगा. और फर्दर डाउन करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाएं आप, जेपी लाइव कोड मेरा यूज करके आप सब्सक्राइब करें, राइट दोस्तों?
तो ये आपके पास था आज का लेक्चर की शुरुआत करें अपन दोस्तों। कल लास्ट क्लास तक अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था अगर आपको दोस्तों ध्यान हो, अपन ने टाइम ऑफ एसेंट पढ़ा था, हमने कल टाइम ऑफ लास्ट क्लास में टाइम ऑफ डिसेंट पढ़ा था, उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था एच मैक्स मैक्सिमम हाइट पढ़ी थी आपने कि मैक्सिमम हाइट तक प्रोजेक्टाइल कहाँ तक जाता है, उसके बाद आपने रेंज को डेराइव किया था, रेंज के बाद में मैंने मैक्सिमम रेंज की बात की थी, फिर अपन ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डेराइव की थी। तो दोस्तों ये लास्ट क्लास में हम सब कुछ कर चुके हैं, इससे पहले वाला लेक्चर देखें आप, थोड़ा सा आपको इनडेप्थ फील वहां पर आ जाएगा, राइट दोस्तों। आगे बात करें अनदर फॉर्म ऑफ रेंज, ये एक और फॉर्म है, ये आया कहां से दोस्तों, कल अपन ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या लिखी थी अपन ने कि वाई इक्वल्स टू क्या आया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अगर आपको याद हो है ना, फॉर्मूला याद रखें आप, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या था, टेन थीटा एक्स माइनस वन बाय टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट दोस्तों। ये आपके पास क्या था, ये कल अपने पास लास्ट ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी। इसका एक और फॉर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनदर फॉर्म जो मैं लिख रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखो y इक्वल्स टू, अगर मैं tan थीटा x कॉमन ले लूं, यहां पर देखिए मैंने क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं यहां से tan थीटा x को कॉमन ले लूं तो देखो अंदर क्या बचेगा आपके पास, आपके जो भी इक्वेशंस हो आप उस कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर, या मेरे को आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, कहां पर कनेक्ट होंगे है ना, मेरा नंबर ले लीजिए यार दोस्तों आप, है ना, अगर इस प्रीमियर के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम आ जाए तो 9406067 8394, राइट, इस लेक्चर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे आप कॉल कर लीजिएगा, राइट, 9406067 8394 इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, राइट दोस्तों। यहां से मैंने क्या लिया, टेन थीटा एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या आ जाएगा, देखो वन माइनस जी बाय टू तो है ही, ऑलरेडी एक्स कॉमन आ चुका है तो एक ही एक्स बचा आपके पास, और नीचे मेरे पास क्या है दोस्तों, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और टेन थीटा और आ गया, टेन थीटा मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर डिनोमीटर में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, है ना, टेन थीटा आएगा, टेन थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने क्यों लिख दिया आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों देखो अब नीचे यहाँ पर क्या बचा, अगर आप देख पाए तो वाई इक्वल्स टू क्या बचा, है ना, ये टेन थीटा एक्स तो है ही आपके पास, टेन थीटा एक्स है आपके पास ऑलरेडी, यहां पर क्या हो गया, वन माइनस वन बाय टू। अब यहां पर देखो जी एक्स तो है ऊपर, जी एक्स मेरे पास आ गया, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, प्लस देखें आप इसको, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक्स ऊपर ऑलरेडी है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसको साइन टू तरह लिख सकता हूं मैं, देखो यहां पर नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, यू स्क्वायर, यहां से टू नहीं लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, टू साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं, साइन टू थीटा, और ऊपर जो जी था उसको मैं नीचे लेके आ सकता हूं क्या, उसको नीचे लेके आ सकता हूं। तो देखो यू हैव गॉट द फॉर्म, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो y इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, tan थीटा x, और क्या आ जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x, और नीचे दोस्तों ये फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है आपको शायद, ये रेंज का फॉर्मूला है ना, ये रेंज का फॉर्मूला है, देखो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में भी रेंज लेके आ गए आप लोग, ये रेंज का फॉर्मूला आ गया, देखो ये वही वाली फॉर्म आ गई आपके पास, राइट, ये आपके पास फॉर्म आ चुकी है, अनदर फॉर्म, याद रखें आप इसको, इसको याद रखें, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, आई थिंक यू हैव गॉट इट गाइस, राइट राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी मालूम करनी है, राइट, इस वेलोसिटी के यहाँ वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, टेंजेंशियल बनाएंगे आप, इस वी के दो कॉम्पोनेंट होंगे है ना, एक तो मेरे पास क्या हो जाएगा वी एक्स, एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, और एक कंपोनेंट मेरे पास क्या आएगा, वाई कंपोनेंट होगा यहाँ पर, उसको मैंने क्या बोल दिया वी वाई, और ये कितने एंगल पर है, यहाँ पर कुछ एंगल होगा उसको मैं बोल देता हूँ बीटा, राइट दोस्तों। किसी भी इंस्टेंट पर मेरे को क्या लिखनी, वेलोसिटी। अब इसके दो कंपोनेंट अगर मैं वी एक्स की बात करूँ है ना, अगर अपन वी एक्स की बात करें दोस्तों, वी एक्स क्या होगा, ये वी एक्स क्या है, वी एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, जो इनिशियली थी, तो इनिशियली मेरे पास क्या है, यू कॉस थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वही आएगी मेरे पास यू कॉस थीटा। वी वाई, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज होती है, तो ये पी पॉइंट, अगर पी पॉइंट तक जाने में अगर टाइम कितना लगा हो, टी अगर लगा हो, यहाँ तक पहुँचने में टाइम टी लगा हो, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी वी और ए वाई इंटू टी, फर्स्ट इक्वेशन। तो दोस्तों यहाँ से देखो मेरे पास वी वाई इक्वल्स टू क्या आ गया,
वी वाई लिख पा रहे हैं, यू वाई, यू वाई कितना है, इनिशियल कॉम्पोनेंट इन वाई डायरेक्शन, क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर देख पा रहे हैं आप, क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा, और ए वाई क्या आ गया मेरे पास, माइनस जी, और टी मेरे पास क्या आ गया, टी 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 की जगह आ गया, राइट दोस्तों। अब यहां से मुझे वेलोसिटी लिखनी है, वेलोसिटी मेरे पास क्या होगा, वी, वी अगर मैं लिखूं, अगर मैं वी को लिखूं तो वी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो वी एक्स तो हो गया मेरे पास, है ना, दो मेरे पास क्या है, दो कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करोगे, दोनों कंपोनेंट एक्स और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं आप, तो मेरे पास क्या आ जाता है, स्पीड आ जाती है, तो यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस, देखें आप क्या हो जाएगा, माइनस जी टी का होल स्क्वायर, राइट दोस्तों। और आगे देखें आप इसको, और आगे समराइज कैसे कर सकते हैं आप, तो वी इक्वल्स टू, देखो अंडर रूट, इसको और लिखें आप, देखो ये तो क्या हो गया, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहां पर a माइनस बी का जब होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो यहां से एक और टर्म आएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सिंपल हो जाएगा यू स्क्वायर, राइट। अब इसके पास में एक टर्म तो इसके साथ चली गई, यहां दो टर्म बची, दो टर्म क्या बची, एक तो बी स्क्वायर बचा, तो बी स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और फाइनली उसके बाद क्या बचा, ए स्क्वायर तो इसके साथ चला गया, बी स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर लिख दिया, और माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी, ए मतलब यू साइन थीटा, बी मतलब जी टी, तो इसको मैं लिख रहा हूं, देखो टू यू जी टी साइन थीटा, राइट दोस्तों। तो ये मेरे पास क्या होगा, वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड है, इसको अगर देख पाए आप, ये क्या है मेरे पास, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मुझे डायरेक्शन देखनी है ना, डायरेक्शन के लिए अपन क्या लिखेंगे, टेन बीटा, अगर मुझे डायरेक्शन लिखनी हो तो डायरेक्शन के लिए मुझे क्या करना होगा, टेन बीटा लिखना होगा, तो मैं देखो यहाँ पर टेन बीटा लिख देता हूँ, तो टेन बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, क्या हो जाएगा, टेन बीटा आएगा आपके पास वी वाई अपॉन वी एक्स, दोस्तों देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, टेन बीटा अगर आप लिखेंगे तो टेन बीटा देखो क्या आ गया मेरे पास, टेन बीटा इक्वल्स टू वी वाई, वी वाई कितना है आपके पास, यू साइन थीटा, राइट, यू साइन थीटा माइनस जी टी एंड होल डिवाइडेड बाय, सॉरी ये ऊपर क्या है, वी वाई अपॉन वी एक्स, और वी एक्स, वी एक्स कितना हो गया मेरे पास, डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा, तो दोस्तों ये मेरे पास क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो उसका मैग्नीट्यूड तो ये आ जाएगा मेरे पास, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, बीटा, ये बीटा, बीटा कहां से लिया गया है, वी एक्स, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर वेलोसिटी होगी, तो ये दोस्तों मेरे पास क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गई किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, अगर आप इसको देखें, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड देखना है मुझे दोस्तों, थोड़ा सा इसको अगर आप देखें, इसको मैं विजुलाइज करवाता हूं, ये देखो यहां पर ये अपने पास ऑब्जेक्ट ऐसे आता है, ये आपको एकदम क्लियर है। अब इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, इसको देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, देखो इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मेरी क्या होगी, u क्या होगी, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट वही होगा जो जाते वक्त था, क्योंकि सेम लेवल पर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, मतलब स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है सेम लेवल पर, तो ये दोनों सेम लेवल पर है, तो ये जाते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी थी, अगर मैंने इसको थीटा एंगल पर u स्पीड से अगर मैंने इसको लॉन्च किया था तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, समझने की कोशिश कीजिए, तो ये पर यहां पर क्या हो गया, बस सेम लेवल पर है, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, तो ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, यू साइन थीटा, सिंपल, राइट। तो इस पॉइंट पर स्पीड क्या आ जाएगी, देखें आप इस पॉइंट पर स्पीड कितनी आ जाएगी, है ना, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, ये यहां पर स्पीड, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड अगर मैं वी लिखना चाहूं तो वी इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट, अभी करा था अपन ने, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, ये u हो गया, सिंपल, इसको देख पा रहे हैं आप, क्या हो गया u, मतलब v, और वैसे भी समझ पाए आप, तो v कितना होगा मेरे पास, और एंगल हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन एंगल कितना होगा, अगर मेरे को ये एंगल देखना हो, ये बीटा अगर मैं बोलूं, तो देखो यहां से डायरेक्शन, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, अगर मैं डायरेक्शन लिखूं तो डायरेक्शन कितना आ जाएगा मेरे पास, देखें आप डायरेक्शन के लिए क्या लिखें आप, टेन बीटा, टेन बीटा क्या लिखना है आपको, टेन बीटा क्या है, सिंपल वी वाई अपॉन वी एक्स,
वी वाई कितना है, यू साइन थीटा, और वी एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, यू से यू कैंसिल हो गया, तो दोस्तों यहां से टेन बीटा है ना, टेन बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, टेन बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, टेन थीटा, तो यहां से बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, थीटा, समझ में, तो ये बीटा कितना आ गया, अगर यहां पर आप है ना, अगर यहां पर आप देख पा रहे हैं तो बीटा, तो बीटा कितना आ गया मेरे पास दोस्तों, ये बीटा आ गया मेरे पास कितना, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा, सेम, तो जितना एंगल से आपने लॉन्च किया है उतना एंगल से ही वापस क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। कभी भी ध्यान रखे, जब ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, इट ऑलवेज स्ट्राइक्स विद सम वेलोसिटी। ये दिमाग में एक मिथ होता है, एक भ्रम होता है, उसको निकाल दें आप, कि ऑब्जेक्ट जब स्ट्राइक करता है उसकी वेलोसिटी जीरो है, नहीं, वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं होती है, वो किसी वेलोसिटी से क्या करेगा, इट विल ऑलवेज स्ट्राइक, राइट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अगला इसने एक और क्या पूछा है, अभी बोल रहा है एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। देखो अगर मैं इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल निकाल रहा हूँ, देखो इनिशियल वेलोसिटी का एंगल तो ये इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास, राइट, ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का एंगल क्या हो गया, थीटा। ये फाइनल वेलोसिटी देखें आप, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर थी, थीटा एंगल पर थी। तो ये देखो, इसको मैं फाइनल वेलोसिटी को एक बार मैं वी लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी कितने एंगल पर थी, अगर आप देखें यहाँ पर, इसके मैं पैरेलल है ना यू, इस यू वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ ना मैं, यहाँ पर यू को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल एनीवेयर, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये एंगल मेरे पास क्या है, किसी भी वेक्टर को कहीं भी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आप शिफ्ट कर सकते हो, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। अब इसने क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी टेल से टेल मैच हो गई, जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है या तो उसके दोनों के टेल मैच कर दीजिए या दोनों के क्या करें आप, हेड को मैच कर दो, दोनों का मैंने क्या कर दिया, टेल मैच करवा दिया, तो देखो एंगल दोस्तों कितना हो गया मेरे पास, ये दिस इज एंगल, दिस एंगल इज वॉट, टू थीटा, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होता है, हमेशा टू थीटा होता है फाइनल, राइट दोस्तों, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा, राइट। चलो आगे बात करें अपन, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, अभी तक आपने जो सीखा उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई करेंगे, मैं आपको कुछ समय दूंगा, राइट, आप थोड़ा ट्राई करें, आप इन क्वेश्चन को करने का, क्वेश्चन को करने का ट्राई करें, आप पढ़ देता हूँ मैं भले आपके लिए, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, थीटा, थीटा क्या दिया हुआ है आपके पास, एट थीटा इक्वल्स 37 डिग्री, एक थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो भी स्पीड है वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल की स्पीड है, ठीक है, फाइंड टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सब कुछ पूछ डाला भाई ने। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखें आप, ये जो 37 डिग्री होता है इसको खेलना थोड़ा बहुत आसान, इसको थोड़ा सा इजी गोइंग लें आप, है ना, इसको थोड़ा अच्छे से ले लें, अभी साइन 37 और ये सब याद, दो ही चीजें होती है, 3/5 होता है और एक 4/5 होता है, या तो 3/5 से मल्टीप्लाई होगा या 4/5 से, बस आपको हमेशा क्या है, याद नहीं रहता है 3/5 कैसे, 3/5 से कब मल्टीप्लाई करूँ, 4/5 से कब मल्टीप्लाई करूँ, आपको याद नहीं रहता है। तो सिंपल सा तरीका क्या है आपके पास, सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ पर मेरे पास 100 है, देखो एंगल मेरे पास क्या है, 37 डिग्री है, अगर मेरे पास एंगल मिड, अगर मेरे पास क्या है, अगर मिड लाइन, ये मिड लाइन है मेरे पास, अगर मिड लाइन से नीचे की तरफ वेक्टर हो, मिड लाइन से नीचे की तरफ वेक्टर हो, तो सिंपल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्ट्रॉन्गर होगा, सोच के देखें आप, अगर आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है ना, बाकी कोस 37 और करते रहो, पर मैं सीधा आपको सीधा क्या है, 37 57 याद करने की जरूरत नहीं है, समय मिड लाइन से किधर इंक्लाइंड है, ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, मतलब ये 100, ये क्या होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 सिंपल, और बाकी दूसरा जो होगा वो क्या होगा 3/5, 100 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, ये 37 डिग्री और 53 डिग्री की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, तो ये कितना हो गया मेरे पास 5, ये क्या हो गया 20, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 60, और ये वाला कंपोनेंट मेरे पास कितना आ जाएगा 80, समझ में आ गया, 520 जा, तो ये कितना हो गया 80 और ये कितना हो गया 20, ये दोनों कंपोनेंट हो गए, राइट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास दो कंपोनेंट जो आएंगे, तो इधर वाला कंपोनेंट आएगा मेरे पास 80 और इधर वाला कंपोनेंट मेरे पास कितना आ जाएगा 60, राइट दोस्तों। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, फाइंड द टाइम ऑफ एसेंट। अब देखिए आप एसेंट, आपने अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी नॉर्मल जब पढ़ा हो आपने, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है यार, कोई नई चीज नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेरे को क्या करना है, टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाना है, ऊपर जाने में टाइम क्या लगता है, यू बाय जी, और ये यू उस समय क्या होता था, वाई कॉम्पोनेंट, तो ये वाई कॉम्पोनेंट देख लो कितना है 60 है, कितना हो गया वाई कॉम्पोनेंट कितना है 60, तो 60 बाय जी कितना हो गया 6, कितना हो गया मेरे पास 6 इज योर आंसर, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, टाइम ऑफ
टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया मेरे पास, अरे भाई समझ में आया क्या, टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया 6 सेकेंड, क्लियर। और टाइम ऑफ, तो मेरे पास क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है, ये अपन ने कल लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, राइट। तो ये मेरे पास टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आ गया 6 सेकेंड। उसके बाद में क्या करना है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2 टाइम्स होता है टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट 6 सेकेंड है तो कितना हो जाएगा ये 12 सेकेंड, क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। उसके बाद में और क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अगर आपको दोस्तों पता हो, मैक्सिमम हाइट की अगर अपन बात करें, है ना, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप यू स्पीड से ऊपर अगर आप थ्रो करोगे तो एच मैक्स, एच मैक्स कितना आता है, एच मैक्स कितना आता है, एच मैक्स सिंपल कितना होता है, यू स्क्वायर कितना होता है, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपन 2g पढ़ा था आपने, बस ऊपर जाना, ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी कौन सी, यू वाई, तो यू वाई का स्क्वायर, यू वाई कितना है 60 × 60/2g, 2 × 10 कितना हो गया 0023, कितना हो गया दोस्तों ये 180 मीटर, ये बस क्या हो गया एच मैक्स हो गया, है ना। फॉर्मूला को यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g जो करते रहते हैं वो करने की जरूरत नहीं है आपको, ये टाइम यहाँ से आपका टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि वहां फिर एंगल के लफड़े में पड़ोगे, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे आप, राइट। उसके बाद देखो रेंज, रेंज निकालना है, रेंज, रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालनी है, कितनी टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है, यू लेके जा रहा है, कौन सा एक्स कंपोनेंट लेके जा रहा है, तो एक्स कंपोनेंट ये स्पीड हो गई और इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट में जो टाइम जो डिस्टेंस कवर होती है वही रेंज होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 12 है, कितना हो गया मेरे पास 12 × 96, तो 960 मीटर क्या हो गया मेरे पास, रेंज हो गया। बाकी फॉर्मूला अपने डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, पर थोड़ा सा क्या है कि यहाँ से आप टाइम सेव कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मोशन इन 1D ही लग रहा है, मोशन इन 1D के कॉन्सेप्ट ही है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सबसे सस्ता टिकाऊ फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का वो कौन सा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, वाई इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स, थीटा कितना 37 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस, सॉरी टेन थीटा एक्स और 1 माइनस एक्स अपॉन आर। एक्स दोस्तों यहां से एक्स कहां से लाऊं, एक्स तो एक्स ही है ना, एक्स ही है, तो एक्स अपॉन आर, रेंज कितना है 960, ये बस इसको क्या करें आप, इसको बस मल्टीप्लाई कर लें आप यहां पर, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा, आपका इक्वेशन ट्रेजेक्टरी आ जाएगा 10 37 कितना होता है 3/4, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3/4x, है ना, 3/4x ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई है, 3/4x मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस कितना हो गया 3/4x स्क्वायर अपॉन 960, ये मेरे पास क्या आ गया इक्वेशन ट्रेजेक्टरी, कितनी आ गया वाई इक्वल्स टू 3/4x माइनस 3 बाय, फिर वो काटना वाटना करते रहो यार, बाकी सबसे सिंपलेस्ट, ये सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन हो गई। अदरवाइज वहां पर वापस क्या करोगे 1/2 gx² / u² फिर क्या क्या था, cos स्क्वायर थीटा, पता नहीं बहुत कचरा हो जाएगा वहां पर, राइट दोस्तों। तो इस तरीके से अप्रोच लेके काम करें आप। चलो अगला न्यूमेरिकल ट्राई करें, एक और न्यूमेरिकल ट्राई करें आप, एक और न्यूमेरिकल दिया है मैंने, एक और इसको ट्राई करें आप, है ना, कि क्या दिया हुआ है आपको कि थीटा इक्वल्स टू दिस टाइम 53 डिग्री, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद 100 मीटर पर सेकेंड, है ना, यू आर प्रोजेक्टिंग द पार्टिकल विद 100 मीटर पर सेकेंड एंड यू हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन थ्रू आउट मोशन, थ्रू आउट मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या आ रहा है वो निकालना है। देखो पूरे मोशन के अंदर अगर आप देखें यहां पर एवरेज वेलोसिटी पूरे मोशन के अंदर देखें आप, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपका वर्टिकल डायरेक्शन में देखें आप, देखो यहां पर अब एवरेज वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स डायरेक्शन में आएगा, एक वाई डायरेक्शन में आएगा। अगर वाई डायरेक्शन में मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं, सोचिए आप, इसको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो है ना, वाई डायरेक्शन मेरे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालूं, ये सपोज मेरे पास क्या है, ये वी एवरेज वेक्टर है, तो वी एवरेज के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो एक्स कंपोनेंट आएगा और एक वाई कंपोनेंट आएगा। अब वाई डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी सोच के देखिए कितनी है, वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल ने क्या किया है, वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, क्योंकि जहां गया वापस वहीं लौट के आ गया, तो मेरे पास क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आएगा ही नहीं है, खत्म, बचा क्या एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट ही क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी, तो वी एवरेज सिंपल, तो वी एवरेज क्या हो गया, तो वी एवरेज इज जस्ट व्हाट, एक्स कंपोनेंट
और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है मतलब क्या हो गया, देखो ये 100 क्या करीब कौन सा है, जो करीब है वो बड़ा बनेगा, तो बड़ा वाला क्या हो गया 80 और छोटा वाला क्या हो गया 60। अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था अपन ने, है ना, करीब कितना, करीब मतलब ये 37 डिग्री हो रहा है ना, पीछे उधर 53 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर 37 डिग्री हो रहा है, राइट। अब x, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 60 है, थ्रू कांस्टेंट, तो 60 मीटर पर सेकंड इज व्हाट एवरेज वेलोसिटी, सो सिंपल। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो 60 मीटर पर सेकंड होती है, सिंपल, राइट दोस्तों। चलो और आगे बात करें, अगर अपन आगे चल के बात करें, देखो यहाँ पर क्या हो सकता है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सच दैट इज पासेज अ 4 मीटर होल एट 4 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो क्या बोला इसने, पार्टिकल को आपने क्या करा है, प्रोजेक्ट किया है सच दैट, ये पार्टिकल को अपन प्रोजेक्ट कर देते हैं, ये प्रोजेक्ट कर दिया मैंने, चलो ठीक है, सच दैट इट पासेज अ 4 मीटर वॉल एट 4 मीटर लॉन्ग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इफ इट लैंड्स 14 मीटर फ्रॉम द वॉल देन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब किसी एंगल पे ही, मैंने पहले एंगल वाला बना लिया, मतलब किसी एंगल पे ही प्रोजेक्ट किया है, सपोज ये यू स्पीड से थीटा एंगल पर मैंने प्रोजेक्ट किया, और पार्टिकल क्या बोल रहा है, इट पासेज अ 4 मीटर वॉल एट 4 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो ये जो वर्टिकल और इट पासेज 4 मीटर वॉल, 4 मीटर वॉल का मतलब जरूरी नहीं है आपकी वॉल हमेशा एच मैक्स पे ही हो, ये हमेशा ध्यान रखें आप, हमेशा ध्यान रखेंगे आप, एच मैक्स मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कोई लेंथ दे रखी डजंट मीन इट इज एच मैक्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई लेंथ दे रखी, कोई डिस्टेंस दे रखी, इट डजंट मीन इट इज रेंज, ये एक्स और वाई भी हो सकते हैं। तो इसने क्या बोला, तो एक वॉल है ना, यहाँ पर क्या बनी हुई है, एक वॉल, तो यहाँ पर एक वॉल है, मैंने एक वॉल ले ली यहाँ पर, ये तो ये वॉल, इसने क्या बोला, वॉल का हाइट जो है कितना है 4 मीटर, तो y इक्वल्स टू मैंने कितना ले लिया 4 मीटर, और x भी कितना, ये मेरे पास क्या है, x कितना है, x भी कितना आ गया भाई 4 मीटर, बहुत बढ़िया, यहाँ से पास होता है। और उसके बाद क्या बोला, इफ इट लैंड्स 14 मीटर फ्रॉम द वॉल, इफ इट लैंड्स 14 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से 14 मीटर पर ये क्या कर रहा है, लैंड हो रहा है भाई, लैंड होना चाहिए, हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोल रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक चीज ध्यान रखें, देखो अभी अपन ने बहुत सुंदर सी इक्वेशन यूज की थी, अगर आपको ध्यान हो, जब भी x और y दिए हुए हैं, हमेशा ध्यान रखें आप, जब भी x और y दिया हुआ हो, यहाँ पर ये x और y दिए हुए हैं, हमेशा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को याद करें आप, दुनिया आसान होने लगेगी, है ना। अपन कई बार क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला याद रखते हैं, एच मैक्स का फॉर्मूला ध्यान रखते हैं आप, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, लेकिन आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को भूल जाते हैं आप हमेशा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, सो y इक्वल्स टू, है ना, y इक्वल्स टू, इक्वेशन भी कौन सी लें आप, देखो tan थीटा x वाली इक्वेशन लें, मैं ये वाली क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को u नहीं दिया हुआ है, अगर मैं दूसरी इक्वेशन ले लूंगा तो मारे जाओगे, क्योंकि वहां पर u चाहिए, तो 1 माइनस x अपॉन r, देखो दुनिया कितनी आसान हो गई है, बहुत सिंपल हो गया, y कितना है 4 tan थीटा, है ना, tan थीटा, राइट, और x की वैल्यू कितनी है 4, 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है 4, और रेंज देखो दोस्तों, यहां पर रेंज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बॉल से 14 है, तो रेंज कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 4 18 इज द रेंज, ये कितना हो गया, ये 2, ये हो गया आपके पास 9, तो दोस्तों यहाँ से 4 से 4 भी कैंसिल हो चुका है, बहुत बढ़िया शानदार। तो देखो 1 इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, बस यहाँ से सॉल्व कर लें आप, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, tan थीटा, और ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 2 7 बाय 9, तो दोस्तों यहाँ से थीटा इसको सॉल्व करेंगे आप, ये 9 बाय 7 हो जाएगा, 7 बाय 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 बाय 7, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा विल कम आउट टू बी tan इनवर्स, हेलो आई थिंक आपको कल क्लियर हो गया, tan इनवर्स 9 बाय से 1, दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट दोस्तों। सो यहां का लेक्चर यहीं एंड करते हैं आप, इससे आगे कल मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो भी मेरा अपकमिंग लेक्चर होगा, बस आप प्लेसेबो ग्रुप को टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करें, जो भी अपकमिंग सेशंस होंगे आपको वहां से वो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, बिकॉज क्या होता है कई बार बहुत सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती है, पैरेलल बहुत सारी चीजें चलानी जरूरी है, फायदा क्या होगा, थ्योरी भी कवर होगी और न्यूमेरिकल भी कवर होंगे, तो बीच में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज डेली में चला रहा था, लेकिन इससे क्या सभी बच्चों को फायदा नहीं हो रहा था, तो कुछ बच्चों को अगर थ्योरी का रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ पर थ्योरी सेक्शन भी लेना स्टार्ट कर दिया है,
राइट दोस्तों, तो एक दिन थ्योरी एक दिन न्यूमेरिकल, एक दिन थ्योरी एक दिन न्यूमेरिकल, और थ्योरी के साथ में मैं न्यूमेरिकल भी कवर करूंगा, थोड़ा सा आपको फील भी आ जाएगा। राइट दोस्तों, इसी तरीके से चलेंगे आप, तो मेरा वापस थ्योरी वाला सेक्शन डे आफ्टर टुमारो होगा, राइट, और कल अपने पास वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चलेगा वो जो मतलब ऑल्टरनेट में चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, नीट प्लेसेबो में जाके जुड़ जाएं, तो वहां पर जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएंगे, और यूट्यूब से तो आएंगे ही आएंगे, पर यूट्यूब में कभी कभी स्कीप हो जाता है क्योंकि इतने सारे चैनल आपने लाइक किए हुए हैं, तो एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो पर्टिकुलर डेडिकेटेडली आपके पास इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं हो पाती है। राइट, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए आप, और प्लेसिबो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे विजिट करने के लिए अगर आप एंड तक मुझे देखा है आप लोगों ने, तो उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर बीइंग विद मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और दोस्तों, बहुत ही जल्दी क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, मैं अनअकैडमी प्लस जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन बच्चों के लिए मैं सेमीकंडक्टर डिवाइस लेके आ रहा हूँ 22nd से, इवनिंग में 6 बजे से 7:30 बजे तक, तो इवनिंग 6 to 7:30 PM आप प्लीज विजिट करें मुझे। कहां पर? अनअकैडमी प्लस के। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, तभी आप मेरा वो वीडियो देख पाएंगे। ये 15 आवर्स क्या है, कोड क्या है, मेरा जेपी लाइव कोड है, इससे आप 10% आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट मिलेगा अगर आप क्या करते हैं अनअकैडमी को, अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो वहां पर अगर मेरे आप नोट्स को, अगर मेरे नोट्स को, अगर मेरे आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को अगर आप फील करना चाहते हैं, बिकॉज क्या है दोस्तों, ये चैप्टर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये चैप्टर काफी कोचिंग के ऊपर अच्छे से कराया नहीं जाता है, बिकॉज आप सेमीकंडक्टर आते आते टीचर भी थक जाते हैं और स्टूडेंट भी पस्त हो जाते हैं, तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं हुआ होगा, और प्लस थियोरेटिकल चैप्टर भी, और सबसे अच्छी बात मॉडर्न फिजिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है क्योंकि 3 क्वेश्चन आपको नीट के अंदर मिलेंगे, कम से कम यू विल फाइंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन डेफिनेटली विद देयर फॉर श्योर। राइट दोस्तों, तो आप यहां पर जाके अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब करें मेरे कोड के थ्रू अगर आपने अभी तक नहीं किया है। राइट, तो वहां पर अपन मिलेंगे 22nd से लेके 3rd of January तक, 22 से लेके 3 जनवरी तक 15 घंटे का सेशन चलेगा, वहां पर डाउट सेशंस भी होंगे हर 3 क्लास के बाद में, फोर्थ क्लास जो होती है वो डाउट क्लास होती है, 1-to-1 इंटरेक्शन हो सकता है, यू कैन अपलोड योर फोटोग्राफ्स, आप फोटो अपलोड कर सकते हैं डाउट के, अनअकैडमी प्लस की बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आप वहां पर जुड़े, आप स्पेशल क्लास देखें मेरी, है ना, जेपी चौहान आप टाइप करें अनअकैडमी प्लस पे जाके, अभी तक आपने नहीं किया है तो वहां पर मेरे स्पेशल क्लासेस देखें मैं किस तरीके से डील करता हूँ स्पेशल क्लास को। राइट, सो थोड़ा सा यूट्यूब से कहीं ना कहीं एक डिफरेंट फ्लेवर आपको वहां पर जरूर मिलेगा, तो वहां पर आप आए। राइट दोस्तों, वहां पर आप आए तो आपको क्या होगा, नोट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, सो यू विल फाइंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो स्पेशल क्लास को भी जरूर देखें। स्पेशल क्लास में मैं दो क्लास अभी तक अपलोड कर चुका हूँ स्पेशल क्लास में, एक क्लास मैंने किस पे बनाया था, आई थिंक बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स पे बनाया था, स्ट्रेट लाइन बेसिक ग्राफ पे बनाया था मैंने, और एक क्लास आई थिंक मैं किसके ऊपर बना चुका हूँ, एक बार देखिएगा। राइट, दो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस आर देयर, ठीक है, स्पेशल क्लास देखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, सब्सक्राइब कर दें चैनल को आप, प्लेसिबो को लाइक कर दें, वीडियो को पहुंचा दें जन जन के अंदर अगर आपको सचमुच पसंद आया हो। राइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू।